सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका आप में से सभी लोगों को पिछले एक महीने से इंतज़ार था। एक महीने से मैं तकरीबन सिर्फ हर वीडियो में ये कम से कम 10-15 कमेंट में देखता था कि महा पीडीएफ 2.0, महा पीडीएफ 2.0 कब आएगी। तो फाइनली महा पीडीएफ 2.0 आ चुकी है और अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इसको एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि अब सभी A4 स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, इस छोटे से पीडीएफ की इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि महा पीडीएफ एक शॉर्ट करंट अफेयर्स पीडीएफ होती है और गारंटेड यहीं से आपको जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं यहीं से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक सिंगल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको एक करंट अफेयर की शॉर्ट मैगजीन, आपको मैगजीन नहीं बल्कि ये पीडीएफ पढ़नी है आपको, और यहीं से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्यों मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं स्टूडेंट कहते हैं दावे के साथ, क्योंकि पिछले मैं तकरीबन 3 से 4 साल में जितने भी इंटेक्स हुए सब में मैंने दिया और शायद ही कोई क्वेश्चन इस महा पीडीएफ के बाहर गया है। तो ये अब मैं बता देता हूँ कि देखिए महा पीडीएफ, अभी मैं सारी चीज़ें आपको रिवील करने वाला हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें, पर ध्यान से एक एक चीज़ सुनते रहिएगा, नहीं तो बहुत लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हमने डाउनलोड कर लिया, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, बहुत छोटा सा पैक है और ये इतना बड़ा आपको इम्पैक्ट करेगा कि जो मतलब 5 से 6 नंबर का इम्पैक्ट ये सिर्फ एक सिंगल पीडीएफ डाल सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वजह से इसको देखना और इसको ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, ये महा पीडीएफ 2.0 क्यों है, जिन लोगों को नहीं पता है, 18 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम शेड्यूल था और उससे पहले मैंने आपको महा पीडीएफ दी थी और कुछ ही दिन में जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और इसी वजह से अब इसको अपडेटेड महा पीडीएफ 2.0 मैंने नाम दिया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हमें पहली वाली पढ़नी है कि नहीं या फिर ये वाली पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली बात, इसको कैसे पढ़ना है, अभी उस पर मैं आता हूँ कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली या फिर ये वाली, और कैसे आपको डाउनलोड करना है। बट मैं इसको पढ़ना कैसे वो आपको सबसे पहले बताता हूँ जो आपको ये महा पीडीएफ 2.0 मिलेगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, ये तकरीबन मैं क्वेश्चंस की वैल्यू बता देता हूँ, तकरीबन 120 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस हैं। मैंने इतने में ही मैंने आपके पूरे करंट अफेयर ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि यही इसकी खासियत है, क्योंकि चीज़ों को छोटा करने में टाइम लगता है, बड़ा करने में नहीं। हो सकता बिल्कुल आप ये जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आपको इतनी फैंसी ना लगे, तो फैंसी में मेरा जोर नहीं रहता, मेरा जोर क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है वो इसको कितना क्रिस्प, कितना कम से कम आपको, तभी क्योंकि मैंने आपको पता है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं देता हूँ और इसका ऐसा है कि अगर आप 1-2 घंटे भी बैठोगे आराम से तो पूरी पीडीएफ आप रट ले जाओगे और गारंटी वो मेरी है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। तब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आगे वी इम्प यानी कि कुछ के आगे इंपॉर्टेंट लिखा हो, कुछ के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो, कुछ के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लेके छांटे गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिखे गए हैं, तो इनको तो एकदम घोल के पी जाना है जो इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स मिलेंगे पीडीएफ के सबसे लास्ट में, और मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ के शुरू में भी एक जीके का लिंक डलवा दूँ। यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का लिंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेज बुक्स एंड ऑथर्स की पीडीएफ का लिंक मिलेगा, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके यहाँ पे पीडीएफ है, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है, और एंशियंट हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स का यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और सीएम गवर्नर और स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे पीडीएफ के लास्ट में। और ये यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है वो सबसे पहला वाला लिंक है इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के लिंक का, इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ और इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको मैं समझा देता हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो आप बहुत मिस आउट कर जाएंगे और फिर बाद में आपको इसका पछतावा होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पीडीएफ खुलेगी, और इससे वही पीडीएफ है जो मैंने आपको 18 अप्रैल के एग्ज़ाम से पहले दी थी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन कभी नहीं बदलता, वो जो 2015 में था वो ही अभी भी है। तो जाहिर सी बात है कि वो इसको ही आपको रिवाइज़ करना, अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो इसको पढ़ना। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं डायरेक्ट यानी टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब इस पीडीएफ को कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने एग्जाम के लिए वो मैं समझा देता हूँ। अब जैसे मैंने करंट अफेयर्स के लिए तुमको बोला कि उस पीडीएफ के अलावा कुछ भी करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये एक क्विक रिविजन पीडीएफ है, यहाँ पे भी सिर्फ शॉर्ट पीडीएफ है यानी क्विक रिविजन पीडीएफ है। आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है इसको ध्यान से सुनिए। अब जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या है, वर्धमान, तो आपको दिमाग में सोचना कि महावीर के माता का नाम क्या था, पिता का नाम था, यानी कि आप ये सोचें कि परमार सर ने मुझे क्या क्या बताया था इसके रिगार्डिंग, कि उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ऐसे मुझे बुद्धा के बारे में पढ़ लेना है। तो इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया क्विक रिविजन पीडीएफ। और हो सकता है मतलब कि डायरेक्टली तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मान लीजिए कि आपके इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं जीके में, 2
ऑन एन एवरेज करंट अफेयर से आते हैं और 6 आपके स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। तो 2 तो मैंने आपको वो रिजर्व कर ही दिए। अगर मैं 6 की बात करूँ तो डायरेक्टली आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे मैं अभी मैंने आपको समझाया थोड़ा कि जैसे महावीर का मूल नाम दिया तो महावीर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको रिवाइज करें, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है 8 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं, पूरे 8 के 8। और बाकी अगर आप डेली डोज वाला सीरीज़ है, PTS वाला और जो हैंड रिटन नोट्स, तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो PDF यहाँ पे दिए गए हैं, जो PDF के लिंक्स हैं जो लास्ट में दिए हैं, जैसे कि पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, ये सारे अगर आप कर लेते हो 8 नंबर, मतलब कि पूरे नंबर चाहे 10 नंबर की जी के आ जाए तो 1 नंबर आपका वहाँ से कम नहीं होगा। और ये जो GK का PDF है ये इसी के अंदर ही आपको मिलेगा, जो वहाँ PDF आप डाउनलोड करेंगे उसमें जो लिंक है इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस का उस पर क्लिक करेंगे तभी ये खुलेगा, ठीक है। और मैं शुरू में बताना भूल गया कि दोनों PDF चाहे वो करंट अफेयर वाली हो या चाहे GK वाली हो, bilingual हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि ये GK क्वेश्चंस की PDF है, जैसे इसमें 262 क्वेश्चंस, इसके तुरंत बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, bilingual हैं, ठीक है। वही इसमें भी ये करंट अफेयर्स की आपकी PDF है, जैसे ही आपके हिंदी के करंट अफेयर्स ख़त्म होंगे तुरंत आपके करंट अफेयर्स इन इंग्लिश चालू हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश में सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे दिए हैं, तो यानी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अभी मैं उस पर भी आता हूँ कि वहाँ PDF 1 इंपॉर्टेंट है, फिर 2.0। अब जैसे कि जो मैंने पहले बताया था, जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है सबको एकदम रट लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 61 तुम देख पा रहे हो, अर्जुन कल्याण का संबंध किस खेल से है, 100% मैंने कि 100% किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। अब क्यों मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आप खुद देखना ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है। और बाकी भी रटने हैं बट इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं इस पे आता हूँ कि आपको महा PDF 1 पे फोकस करना है, फिर 2.0 में किससे एयरफोर्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, आपका एग्ज़ाम पिछली बार भी पोस्टपोन हुआ था, यानी पहले आपका एग्ज़ाम शेड्यूल था मार्च में और वो मार्च का एग्ज़ाम चला गया था 4 से लेकर 8 नवंबर के बीच में। और उस इनटेक की अगर मैं बात करूं तो उसमें अपडेटेड करंट अफेयर आए थे, यानी जो मैंने पहले महा PDF दी थी उससे थोड़े से कम, मतलब कि सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो बाद वाली महा PDF दी थी उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे भी जो महा PDF 2.0 है उसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और महा PDF जो पहले दी थी उससे नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये मेरा कहने का मतलब नहीं। क्यों? एक फैक्टर तो ये है कि वहाँ पे मार्च में एग्ज़ाम शेड्यूल था और नवंबर में हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम गैप था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अभी बात करूँ तो अभी आपका अप्रैल में शेड्यूल था और अब आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा, तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई हैं, हो सकता है कि जो मैंने पहले PDF दी थी उससे ही सारे क्वेश्चंस आएँ, हो सकता है कि अभी जो मैं PDF 2.0 दे रहा हूँ उससे ही सारे क्वेश्चंस आएँ, और ये भी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पक्का पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों से क्वेश्चंस आएँ, वो पहले भी जो उन्होंने पेपर्स बनाए थे, सेट किए थे, उससे भी क्वेश्चंस उठा लें और अभी से भी क्वेश्चन, अगर वो फिर से पेपर को सेट करते हैं तो वो डिपेंड उन पे ही करता है। और किसी को भी नहीं पता कि वो पहले वाला पेपर रखने वाले हैं जो उन्होंने पहले बना लिया था या फिर से उसमें कुछ अपडेट करेंगे वो लोग। ये सारी चीज़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट होता है तो हो सकता है कि पहले वाले भी कुछ करंट अफेयर रखें और अभी वाले भी अपडेटेड करंट अफेयर रखें, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको दोनों को रट के जाना, महा PDF 1 और महा PDF 2.0। बहुत बच्चों को मुझे पता है कि महा PDF 1 एकदम रटी पड़ी है मोजवानी, क्योंकि उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस उनको पता है, तो जाहिर सी बात उन्होंने उसको अच्छे से रट लिया है। अब 2.0 एक दो दिन के आराम से, अगर आप 1-2 घंटे भी बैठोगे आराम से तो ख़त्म कर ले जाओगे। तो जिन लोगों ने महा PDF 1 नहीं पढ़ी है उसको भी डाउनलोड करना और महा PDF 2.0 को भी, और दोनों को एकदम रट जाना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ किसी को नहीं पता कि पेपर में चेंज हुआ है नहीं हुआ है और कैसा चेंज हुआ है। और मैं फिर से बता दूं, इन लिंक्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, खासकर GK क्वेश्चंस का, ये इंपॉर्टेंट डेज बुक्स एंड ऑथर्स की PDF है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हर चीज़ में, तो प्लीज़ इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन आप लोग सभी लोग करना। और ये बताने से पहले कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपको एक चीज़ से आगाह कर दूं कि अब ये महा PDF आप लोगों को बहुत लोग देंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलेंगी, तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो उसकी मेरी गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग ज़रा से इसमें फेर बदल करके आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल परमार सर वाली महा PDF है, लेकिन वो नहीं रहती है, फेर बदल उसमें कर देते हैं ताकि महा PDF का नाम बेकार हो, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है कि हर बार करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से आए हैं, तो उस चीज़ में वो इधर उधर मैनिपुलेट करके उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि महा PDF का नाम खराब हो और जो भी उनके इंटेंशन है। तो अगर आप कहीं और से डाउनलोड कर सकते हैं करते हैं तो उसका मेरा गारंटी नहीं रहेगा कि वहाँ से क्वेश्चन आता है फिर नहीं, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए लिंक से अगर डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल फुली आपके जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं आपको यहीं से देखने को मिले। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, जो फाइनल यहाँ पे चीज़ है कि डाउनलोड इसको कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो उसमें एक लिंक दिया होगा,
वही लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ एक ऐसे पेज में आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा बाई नाउ का। तो बिल्कुल आपको इसको बाई नाउ करना बाई करना पड़ेगा 49 रुपीज़ पे करके। और अब मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे डाउट्स आएंगे, फिर कमेंट्स आएंगे कि सर आप इसको पेड क्यों कर रहे हैं और अभी तक आपने इतना सारे चीज़ें फ्री में दिया, सब कुछ फ्री में दिया, तो इसको पेड क्यों रख रहे हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और हर बार यही इनटेक में चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत दिनों की मेहनत लगी है। सिर्फ ऐसा नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि चीज़ों को बड़ा करने में टाइम नहीं लगता, बल्कि चीज़ों को छोटा करने में, रिफ़ाइन करने में टाइम लगता है। फ़ोन को मोटा करने में टाइम नहीं लगता, फ़ोन को स्लिम करने में टाइम लगता है। और ना सिर्फ टाइम बल्कि बहुत लोगों की इसमें मेहनत लगी हुई, सिर्फ एक की मेहनत नहीं है ये, ठीक है। और बाकी फिर वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस है सिलेक्शन में और क्या आप इतना प्राइस पे कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए या फिर नहीं। और बाकी की गारंटी तो मैंने ली है और बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, आप प्रोसीड करना चाहते हैं फिर नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर किसी अदर सोर्स से आप लेते हैं, मुझे पता है कि टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये फेक वहाँ PDF भी सेल की जाती है, जैसे कि 49 है। अब बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग कमेंट में आएंगे कि 20 रुपये दो और हम दे देंगे PDF, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं रहेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 49 रुपीज़ आप प्राइस देख रहे हैं, पहली बात तो बहुत लेजिट है और दूसरी बात यही प्राइस एक दिन के बाद 99 हो जाएगा, एक दिन के बाद, ठीक है। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप बाई करना चाहते हैं फिर नहीं। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं, बता देता हूँ, जो लोग सीरियस अपने सिलेक्शन के लिए, तो बाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बोलेंगे कि हमारा डाउनलोड नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और अमाउंट डालना है, ठीक है। अमाउंट मिनिमम 49 रुपीज़ तो आपको डालना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक। और ध्यान रहे कि आप ईमेल में अपना वही ईमेल डाल रहे हैं जो आपका रियल ईमेल है, उसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जो आपके फाइल्स हैं वो डाउनलोडेबल तो हो जाएंगे एक बार इस जैसे आप पेमेंट करोगे, लेकिन ईमेल पे भी आपके भेजे जाती है। तो बाई चांस मान लो यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो ईमेल पे भी आपकी भेजी जाती हैं, इसी वैसे ईमेल को सही डालना एकदम। और मैं आपको बता दूं, महा PDF 1 का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट मिल जाएगा, तो जिन लोगों के पास महा PDF 1 नहीं है वो भी उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ के जाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, अमाउंट डाल के प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने पे यहाँ पे आपको नेट टोटल 55.44 दिखाएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट वाले हैं ये भी अपना थोड़ा कन्वीनियंस फीस यहाँ पे जोड़ लेते हैं। बाकी आप फिर यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा और यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ, तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, या फिर सीधे यहाँ से स्कैन कर सकते हैं जो आपको ये QR कोड दिया गया है। इसको आप या तो फोटो खींच के QR कोड से स्कैन कर लो, फिर जैसे भी आपको फ़ोन पे, गूगल पे से करना है, ठीक है। और अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात चालू होती है, वो ये है कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करते तुरंत बैक का बटन नहीं दबा देना कि हम बैक दबा देते हैं, आपको रुकना है थोड़ी देर जब तक पेमेंट होने के 10-15 सेकंड बाद, क्योंकि जैसे वो आपको यहीं पर वेबसाइट में रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखा देगा, डाउनलोड फाइल्स, और जैसे आप डाउनलोड फाइल्स करोगे आपकी वहाँ PDF आपके फ़ोन में होगी और सारे लिंक्स उसमें दिए हुए हैं, सारे लिंक्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करना डाउनलोड करके। और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि वहाँ PDF 1 और वहाँ PDF 2.0 दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और दोनों में भी जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं सबको अच्छे से करके जाना, जो भी नोट्स हैं या फिर GK क्वेश्चंस का PDF का लिंक, क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेंगे, एग्जाम भी दूर नहीं है, तो आप इस चीज़ को रेक्टिफाई भी कर लेना कि हाँ सर ने जो PDF दी थी उसे क्वेश्चंस आया फिर नहीं। पिछले 3 साल से तो ये नहीं हुआ कि एक भी क्वेश्चन बाहर गया, और अब ये आप जो आप इनटेक देंगे उसमें भी ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो आपको बता दूं, डाउनलोड फाइल्स का अगर आप गलती से बैक बटन दबा भी देते हैं तो आपके ईमेल पे भी वो PDF आ गई होगी, अगर ईमेल पे भी आपको नहीं मिलती है तो ट्रैश फाइल्स को हटाना, स्पैम फोल्डर को चेक करना, हो सकता है वहाँ पे आ गई हो, लेकिन आपको PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे मैं सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि प्लीज़ इस PDF को अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।